राजधानी लखनऊ का मैथिली शरण गुप्त वार्ड यानी कि इंदिरा नगर क्षेत्र से मौजूदा पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने व्यापारियों के बाद अब आवासीय कॉलोनियों की तरफ रुख कर दिया है। पैदल मार्च के जरिए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे दिलीप का कहना है कि उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। जो भी उनके पास अपनी दिक्कत लेकर आया उन्होंने उनकी परेशानियों का निवारण किया। उनका दावा है कि केंद्रीय और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के चलते वार्ड के लोगों की दोगुनी शक्ति के साथ सेवा की जाएगी। स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैथिली शरण गुप्त वार्ड में एक रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और पिछले दिनों में जिस प्रकार से सभी लोगों ने दिखाया है कि सपा बसपा की सरकारों ने लगातार नागरिकों की जो सुविधाएं प्रदत्त होनी चाहिए, मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस पर कुठाराघात करने का काम किया है, कटौती की है हर चीजों में। एक तरह से कहा जाए तो जो काम हम लोग कराना चाहते थे, विकास कार्य अवरुद्ध करने का काम इन लोगों ने किया था। अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, विकास की गंगा पूरी तरह से बहेगी।